फतेहाबाद लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब लिव इन में रह रहे प्रेमी युगल पर युवती के परिजनों ने हाथापाई शुरू कर दी। युवती के परिजन युवक को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगे, जिसके एक फुटेज भी सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि लोग एक युवक को कपड़े से पकड़ कर ले जाते हैं और वही युवक युवती ने कहा कि वे दोनों अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं और बालिग हैं। प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए, अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लीविंग का हमारा सर्टिफिकेट बना आज करके बाहर निकल रहे थे। ठीक है, जो लड़की है रिंकी जी, इससे हमारा दोनों प्रेम संबंध है काफी टाइम से, एक महीने से हम रह रहे हैं दिन में, तब से ये कहती भी आ गई है मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मैं तो मरूंगी या तो आप शादी करो अभी। मतलब जी एक बार तो शादी नहीं चल रही, एक नहीं चल लिविंग वाला कर लेते हैं। हमने लिविंग का आज करा तो हम जाने लगे बनवाने के बाद में, तो इसके भाइयों ने भाभीयों ने आके जान से मारने की कोशिश की, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे को मारा, हथौड़ा था उनके हाथ में, मेरे आँख पे भी लगी है बहुत ज़्यादा चोट, पीठ पूठ पे बहुत, सारी पंचायत साहब मेरी वीडियो बना के मेरा सारी बेइज्जत करके कहते तू धक्के से लड़की को भगा के ले आ रहा, हालांकि ये आप इसे पूछ सकते हो, ये अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से आई है और बालिक है। आज हम लोग अपना लिविंग सर्टिफिकेट बनवा कर घर जा रहे थे, तो वहाँ पर अभी यहाँ से निकलते हैं भैया भाभी आ गए, उन्होंने हमको रामपाल किया। तो कितने लोग थे जी आपके परिवार के? मेरे परिवार के चार लोग, चार लोग, दो भाई दो भाभी और उनके फ्रेंड्स थे और बाकी पब्लिक। तो मारपीट करी है जी आपके साथ? कैसे? मेरे को दो तीन थप्पड़ मारे और मेरी छोटी बेटी जी। तो आपके पति के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की? हाँ जी, उनके साथ मारपीट करी है, थप्पड़ों से मारा है इनको। क्या मांग है जी, क्या मांग है जी आपकी, आपकी मांग क्या, आप क्या चाहते हो? सुरक्षित घर पहुँचाया।